एवरीवन, वेलकम बैक टू मनोरंजन बी। टीवी एक्ट्रेस हिना खान एक बार फिर से ट्रोलर्स के बीच फंस गई हैं। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। कोई उन्हें मुस्लिम होने का एहसास दिला रहा है तो किसी ने उन्हें धर्म से बेदखल करने की धमकी ही दे डाली। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। दरअसल टीवी एक्ट्रेस हिना खान हर फेस्टिवल को बड़ी धूमधाम से मनाती हैं, भले ही वो फेस्टिवल हिंदुओं का हो या फिर मुस्लिम का। हाल ही में एक्ट्रेस हिना खान ने दिवाली को सेलिब्रेट किया, जिसके कई खूबसूरत पिक्चर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए। एक्ट्रेस के इन पिक्चर सपोर्ट करने के बाद ही वो कुछ ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। दिवाली सेलिब्रेट करने को लेकर ट्रोलर्स उन्हें बुरी तरह से ट्रोल करने लगे। नेटिजंस का कहना है कि वो एक मुस्लिम है और उन्हें किसी और धर्म का कोई भी त्योहार सेलिब्रेट करने का अधिकार नहीं है। अगर वो ऐसा करती है तो इसका मतलब ये है कि वो मुस्लिम नहीं है, और अगर वो खुद को मुस्लिम नहीं मानती तो उन्हें खुद का नाम भी बदल देना चाहिए। तो वहीं एक और यूजर ने कहा कि आपका बॉयफ्रेंड रॉकी आपके साथ उम्रे पर नहीं गया, तो फिर आप रॉकी के लिए दिवाली सेलिब्रेट क्यों कर रही हो। किसी ने कहा कि हिना खान सिर्फ दिखावा करती हैं कि वो मुस्लिम हैं, क्योंकि उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि हिना खान ने रॉकी के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और अब वो हिंदू हैं, तभी तो वो हिंदुओं के त्योहार को इतनी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करती हैं। बीते कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर बुरी तरह से हिना खान को ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि इतनी ट्रोलिंग होने के बावजूद भी अभी तक हिना खान का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। एक्ट्रेस दिवाली के इन पिक्चर्स में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। हिना खान के फैंस ने उनकी बेहद तारीफ की है, लेकिन इस बार हिना खान की तारीफ करने वाले कम और उनको ट्रोल करने वाले ज्यादा दिखे। क्या आपको भी लगता है कि हिना खान अब धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।